अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जी कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत ईद इन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा कहवा शेयर करने लगी हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स आसानी से आपके किचन में ही दस्तयाब हैं और इसके फवायद बेहिसाब हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1.5 कप पानी का लिया और पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून भर के सौंफ का ऐड कर देंगे। सौंफ मैदे को दुरुस्त करने और उसको ताकतवर बनाने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। इससे मैदे की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ये खाना हजम करने में भी काफ़ी मददगार है। इसके साथ मैंने 1 पीस दालचीनी का डाला। दालचीनी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों और शरियानों में खून जमने से रोकता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी मुफीद है। अब थर्ड स्टेप में इसमें डालूंगी मैं 4 पुदीने की पत्तियां। पुदीना खाने को जुद हजम बनाने के साथ साथ मैदा को ठीक रखता है। पुदीने के इस्तेमाल से चेहरा शादाब और तमाम जल्दी बीमारियां और कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने इसको कवर कर दिया और बॉयल आने दिया। पानी को इतना पकाना है कि ये तकरीबन 1 कप के करीब रह जाए। कहवा हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको छान लेंगे और इसमें चंद कतरे लीमू के डालेंगे। लीमू का इस्तेमाल भी मैदे की दुरुस्तगी और खाना हजम करने में एक बेहतरीन चीज़ है। लीमू का इस्तेमाल ना सिर्फ मैदे की गर्मी को कम करता है बल्कि जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन भी शाइन करेगी।